टेट स्विजी के एडवेंचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, हमें फेंक दिया गया है बेसिकली एक आवारा जगह पे जहाँ का हमें झट पता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इस ट्रेलर पार्क में रहना पड़ रहा है, जो बहुत सैड सी बात है, और हमें यहाँ इस पहाड़ पे जाके किसी को मौत का फोटो निकालना है। तो नाइस किंग्स टेम्पल है। आधे रास्ते में चढ़ने का मेरे को याद आता है कि मेरे पास खाली कैमरा और हाथ है। आई मे हैव टू बाई सम वेपन लाइक आओ, मैं इंपॉर्टेंट वेपन्स बाय कर लेता हूँ और अपने चढ़ान पे चढ़ जाता हूँ, जो एक्चुअली बहुत ही पीसफुल चढ़ान होते। तो अगर कोई वापस सैंडर्स खेल रहा है तो कृपया माउंट चिलर चढ़े। वो इस छोटे से घर में छुपा हुआ है, लेकिन टेट सीजे बनने से पहले जिन्होंने सीरीज को फॉलो किया वो हिटमैन सीजे था। तो हम अपने टारगेट को स्कोप कर लेते हैं। 4 FBI गार्ड्स आस पास घूम रहे हैं। कौन सा सबसे स्ट्रेटेजिक अप्रोच रहेगा, कहाँ किसको कैसे मारना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। वेल एक्चुअली किसी को मारने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप क्वाइट लिटरली उनके सामने से वहाँ पर जा सकते हो। वहाँ पे आप वो गार्ड बढ़वा देख रहा है, वो देख लिया मेरे को, उसने कुछ नहीं किया और ये अंधा है क्या इसको। वाह, मैं सबको मार के लास्ट की फोटो निकाल लेता हूँ और फिर मैं उसको डिलीवरी करने के लिए निकल जाता हूँ इस पुलिस गाड़ी में, जो एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे को मेरी बहन का बॉयफ्रेंड सीजर बोलता है कि भाई उसकी एक कजिन है। ओए ये चलो मिलने चले इफ कार्टेल मॉमी फे। एंड बाय द वे, GTA San Andreas का जो ट्रैफिक सिस्टम है ना वो इलीट है। एंड बाय इलीट आई मीन इलीट। मैं उस बंदी से मिलता हूँ जिसका नाम है कैटरीना, एंड लेट जस्ट से शी इज अ लिटिल टू अग्रेसिव, या व्हाटएवर समथिंग शी इज अग्रेसिव। लेकिन एक ऐसी चीज वो नहीं है इस पढ़ी लिखी, बिकॉज वहाँ क्लियरली लिखा है वो बुलेट प्रूफ ग्लास है और ये बंदी शॉटगन लेके खड़ी है। वेरी इंटरेस्टिंग। बंदा हमको बेसिकली बोलते हैं फक ऑफ, बट यू नो व्हाट, हम उसकी टंकी चुरा लेंगे। इस बंदी का सिर्फ मुंह चलता है और बंदूक नहीं, इस वजह से शूट नहीं करती और हमारा टैंकर फट जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। टेक टू, और मैं आसानी से स्ट्रैंगर को पहुंचा देता हूँ इन अ वेरी ड्रामेटिक एंडिंग और हमें पैसे मिल जाते हैं। सो एज लॉन्ग एज यू गेट पेड गुड। टेम्पनी मेरे को बुलाता है और मैं मिलता हूँ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से जिसका नाम है द ट्रूथ, एंड इसका कैरेक्टर डिजाइन माय डेज। वो मुझे चाहता है कि हमें बॉडी हार्वेस्टर चुला है और ये चीज़ बहुत डेडली है। जिन्होंने नहीं खेला मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरे को एक राइफल मिलती है जिसमें पूरा फील्ड को खाली कर देता हूँ और एक एक करके सबको पिक करने के बाद हम बॉडी हार्वेस्टर चुरा लेते हैं। जैसा कि लोग देख सकते हैं कि बॉडी हार्वेस्टर से आप वीट हार्वेस्ट कर सकते हो, जो बहुत अच्छा बात है, बट ये एक और चीज़ को हार्वेस्ट कर सकता है, ह्यूमन बॉडीज। प्रीटी श्योर है 1940s की जर्मन टेक्नोलॉजी, बट कोई नहीं, हमें इस मिशन को कम्प्लीट करने पर रिस्पेक्ट और बीच बगी मिलती है। और सिंस मेरा भाई अरेस्टेड है और लाइफ मेरा कुछ भी डिप्रेशन चालू है बेसिकली, ये बीच बगी अच्छा है तो मैं इसको लेकर अपनी बहन से मिलता हूँ। और ये देखो इन निब्बा निब्बियों का यहाँ रोमांस चालू है, यहाँ बेंचों में डिप्रेशन में जा रहा हूँ, इनका रोमांस चालू है। एटलीस्ट मेरे को इन्वाइट तो कर ले। मैं अपनी बंदी से मिलने जाता हूँ जो क्लियरली जिसे एंगर इशू है, क्योंकि वो बंदूक मेरे चेहरे पे रखने में उसको मजा आता है। सी आई एम नॉट सेइंग समथिंग रॉन्ग, बट टेट सीजे के साथ ये हो रहा है, ये थोड़ा आयरोनिक है। नहीं, मैं अपनी बीच बगी लेके उसको घुमाने लेके जाता हूँ, क्योंकि बीच बगी में सब एकदम डिप्रेशन से काम हो जाते हैं और मेरी बीच बगी का टायर चला गया। कोई नहीं, मैं इसे बाद में रिपेयर करा लूँगा, बिकॉज इससे मैं रॉबरी कर लेके भाग जाऊँगा और फिर उसे रिस्प्रे करा के उसे रिपेयर करा लूँगा। और कोई और यहाँ पर हमारी रॉबरी कर रहा है और मेरे को कॉल बैक लेनी पड़ेगी। एक और बैग लेकर उनको चेस करता हूँ, लेकिन बीच रस्ते में मेरी मैक की गोली खत्म हो जाती है। तो मैं ट्रस्ट करता हूँ कैटलिना को शूट करने पे, क्योंकि मैंने सुना है वुमन कांट ड्राइव, बट आई डिड नॉट नो वुमन कांट इवन फकिंग शूट। अरे मार 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 उसको, मार उसको, मार उसको, मार, अबे मार भाई, भाई 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 मार, इसके पास मैक है, इसके पास मैक ही मार नहीं रही है, मेरे राइफल से। वो फाइनली लास्ट बंदे को कैसे ना कैसे करके मार देती है और फिर मैं उसको घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। और इसके अगले मिशन में वो हमें घर पे बुलाती है, मुझे लगता है कुछ मजा आने वाला है। मैंने बचपन में सीन नहीं देखा था, मैं कट सीन स्किप करता था, बट अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ इसको देखना। Like one of your whores. No, baby, please. I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Please, baby, no. Ow. Hey. Ooh. Ow. Ow. Damn. Oh. Shit. मेरी इनोसेंस लूटने के बाद बेडिंग शॉप लूटना चाहती है, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो बोलती है अलार्म मत बजाना और फिर ये होता है। तुझे एक काम दिया था मैंने, एक काम। एक्सप्लोजिव से उसको दरवाजे को तोड़ के पूरा रॉबरी कर लेते हैं सक्सेसफुली और फिर मैं उसको घर पे छोड़ देता हूँ। और उसके बाद अगले मिशन में ये होता है। We
just business partners, okay? Hey, yes. If that's how yes. you want it, but I mean, oh, fine. Yes. मेरे घर पे आने वाले न्यूज़पेपर के हेडलाइन में था टॉप 10 रीजंस व्हाई पीपल कमिट होमिसाइड और उसके नंबर 1 पे था कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ. मतलब हिटलर मुसोलिनी जैसे बड़े-बड़े लोग जिन्होंने इतने सारे लोगों को मारा है उनका सबसे बड़ा रीजन वो कमिट करने का उनकी नफरत नहीं थी बट कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ थी. और सिंस मैं नहीं चाहता कि ये माना कि ये मेरी अभी बंदी नहीं है बट स्टिल एक दोस्त है और मैं नहीं चाहता कि ये मर्दों के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं इसलिए मैं उसके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ ताकि उसे भी पता चले कि मैं अभी भी उसकी कदर करता हूँ एज अ फ्रेंड और वो ऐसे आगे जाके कुछ भी बुरा ना करें. मेरा इस वीडियो के लिए स्टोरी लाइन अलग था लेकिन अगले मिशन में कुछ ऐसा होता जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा अपनी पूरी जिंदगी भर. हम बैंक को रॉब करके हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन ये औरत किसी को मारती नहीं है और मेरे फायरिंग रेंज के बीच में आती है तो मुझे भी मारने ढंग से देती नहीं है और बाय द एंड इसे कोई उंगली भी नहीं करता. दो पुलिस वाली बाइक आती है और फिर वो लोग मुझे मार देते हैं. वाओ राउंड 2 में सारे ATMs को तोड़ देता हूँ और पुलिस वाली हमें बाइक मिल जाती है लेकिन उसे बचाने के लिए मैं उस पुलिस वाले को मारने जाता हूँ और वो मेरे फायरिंग रेंज के बीच में आ जाती है. फक सेक मैन. राउंड 3 पे फिर से सारे ATMs को तोड़ता हूँ. इस बार भी बाइक आती है लेकिन इस बार पीछे से भी दो पुलिस वाले आते हैं जो सिर्फ मुझे मार रहे हैं कोई उसे नहीं मार रहा. राउंड 4 और मैं रियली इंटरेस्टेड नहीं हूँ अपने मैक निकाल के सबको मार. ये देखो ये बंदी बीच में से इनके जा रही है वो वहाँ खड़ी है वो कोई उसे नहीं मार रहा सब हमें फिर से बाइक मिल जाती है और फिर ये होता है. यस वो बाइक ने मुझे ठोक दिया. मैं बाइक उठा के निकालने चाहता ही रहता हूँ ताकि मैं उसके पीछे कर सकूँ और फिर मैं अरेस्ट हो जाता हूँ. कमिंग विद मी. राउंड 5 और फिर बाइक्स आ जाती है. हम बाइक्स लेके भाग भी जाते हैं और फिर हम उसको बचाने के लिए आग लगा देते उसके पीछे वाली गाड़ी पे तो मुझे लगता है मिशन इजीली हो जाएगा लेकिन ये बंदा उसके बाजू में फटता है और इसी वजह से वो भी फट जाती है. इतनी ज़्यादा मरवाने के बाद ऑलमोस्ट सुसाइड करने के बाद मैं सक्सेसफुली इस मिशन के एंड पे पहुंच जाता. आपको पता है इस मिशन का एंड क्या है? ये बंदी ठोक देती है गाड़ी एंड देन शी एक्सपेक्ट्स मी टू सेव हर. टेल मी वन थिंग, इसके ओपिनियन में मैं यूजलेस है ना? ये मुझे गुड बाय बोल के हमेशा के लिए निकल जाती है एंड एज अ पीस ऑफ स्लाइट रिवेंज मैं उसकी गाड़ी चुरा लेता हूँ. पिटी बट फॉर यू. इस चुराई हुई गाड़ी को मैं लेके अपने बहन के बॉयफ्रेंड के साथ एक रेस में जाता हूँ जहाँ मुझे एक चाइनीज बंदा मिलता है जिसका नाम वूजी मू है पर उसको वूजी बुलाते हैं. CJ, Carl Johnson. That's very nice of you, Carl Johnson. Very nice. हम रेस में भाग लेते हैं और सिंस ये फॉर्मूला 1 का कोई रेस नहीं है सिर्फ चेक पॉइंट फॉलो करना है मैं एक छोटा सा प्यारा सा शॉर्टकट ले लेता हूँ ताकि मैं आसानी से रेस में लीड ले सकूँ. इस लीड के साथ मैं बहुत खुश होता हूँ और फिर मेरे साथ ये होता है. वो 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 शिट. राउंड 2 और फिर मैं फिर से शॉर्टकट ले लेता हूँ लेकिन इस बार मैं आराम से जाता हूँ अपने इस ट्रेन से ताकि मुझे कोई इशू ना हो. फाइनली लेट्स गो माई फ्रेंड्स लेट्स गो. ईजी लीड मैन ये यहाँ से आई थिंक ईजी होना चाहिए. नो नो फक दिस गेम फक दिस.